गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा का एक्सरसाइज 6.5 देखने वाले, जिसके अंदर हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, 6.5 में सिर्फ तीन ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तुमको सिर्फ ग्राफ देखकर आंसर लिखने हैं, तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू, इसको देख के होमवर्क कर लेना, डाउट आएगा तो पूछ लेना। तुम्हें क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा हूँ, तीन ही क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, हमारा कल लेसन ख़त्म भी होने वाला है 6.6 का। तो हम लोग जब भी पेपर में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा, तुमको चार ग्रुप करके पहले सॉल्व करना पड़ेगा। चार ग्रुप, कितना ग्रुप करना पड़ेगा? चार। दिया गया क्वेश्चन वापस लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट इन परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग मीन निकालते थे फर्स्ट और थर्ड में लिखते थे, ठीक है, वैसे फर्स्ट और थर्ड में लिखना है सेम मीन जैसे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ठीक है, यहाँ पर 733, 45, 65, 47, 18 एंड 5। जब भी पॉलीगॉन आएगा, मैंने जानबूझ के देखो यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक बॉक्स छोड़ा हुआ है। जब भी पॉलीगॉन आएगा हमको एक ग्रुप पीछे लेना है और एक ग्रुप आगे भी लेना है, ऐड करना है पॉलीगॉन में से, हिस्टोग्राम में। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10 का गैप है, 10 का गैप पीछे भी जाओ तो पीछे अगर ग्रुप लेंगे तो क्या बनेगा? 30 से 40 से पहले क्या होगा? 20 to 30, और 90-100 के आगे क्या होगा? 100 to 110। क्लियर हो गया? अब हमने अपने दिल से दिया लिया हुआ है, इसलिए यहां पर तुमको लिखना है 0 और 0, फ्रीक्वेंसी 0। तो हमने क्या किया था, ये जो सोया हुआ था उसको हम लोग ने इसे वर्टिकली लिख दिया। ठीक है, फिर हम लोग मीन में क्या करते थे, एक्सा लिखते थे, मतलब क्लास मार्क दोनों का प्लस करके आधा 20 और 30, 30 का आधा 50 का आधा 25, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 45 55 65 75, 85 95 और 105। ठीक है, दोनों का प्लस करके आधा। फिर हम लोग चौथे में इंटू करते थे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट्स 25.0, 35.7, क्योंकि ग्राफ निकाल रहे हैं हम लोग, 45.33, 55.45, 65.65, 75.47, 85.18, 95.5, 105.0। क्या करना है, जब भी पेपर में देखना है पॉलीगॉन आ गया, हमको सोयो को खड़ा करना है, फर्स्ट और थर्ड में लाना है, दूसरे में दोनों को प्लस करके आधा, और चौथे में सेकेंड थर्ड साथ में लिखना है। नो प्लस माइनस, नो इंटू डिवाइड, कुछ भी नहीं, ये बॉक्स, उसके बाद पॉलीगॉन निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग पॉलीगॉन निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ निकालेंगे। याद रखना, पॉलीगॉन का ग्राफ निकालने के लिए तुमको पता है ये एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, ये तुम्हारा जीरो है। पॉलीगॉन में क्या करना है, हम लोग क्या करते थे हिस्टोग्राम में, आयतालेख में ये लेते थे, बराबर 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, हम लोगों ने कर लिया। लेकिन पॉलीगॉन में क्या करना है, क्लास मार्क लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको, ठीक है, इसको लेना है 25 वगैरह से, 25, 35, 45,
उसके बाद 55, 65, 75, 85, 95, 105, ठीक है। हम लोग याद रखना, हिस्टोग्राम में ये लेने का रहता है और पॉलीगॉन में ये लेना है। हिस्टोग्राम में तो बॉक्स बनाना भी नहीं है, तो पॉलीगॉन में एक्सआई वाला लेने का। अब चालू करते निकालना। और ये 07, 33, 45, अब ये किसके टेबल में आते हैं? अगर तुमने लिया 5 का टेबल, 5 का ले सकते हो, 5, 10, लेकिन बड़ा कौन सा नंबर है देखो, 65 है। अगर 5 का लोगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10 का गैप ले लो, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 क्यों? लास्ट नंबर कौन सा है? 65, वहाँ तक जाना है। चलो निकालते हैं हम लोग। पहले दिया हुआ है 25 के ऊपर 0, ये 25 है और ये 0 है, इसके ऊपर तुमको ऐसे करना है, 25 के ऊपर 0, 35 के ऊपर 7, तुमको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन होती है, तो बराबर 7वें लाइन पे लेना है तुम लोग को, 1 सेंटीमीटर पे 10 लाइन होती है, 7 मतलब 7 आएगा, 7, उसके बाद 45 पर 33 मतलब 30 के ऊपर 3 लाइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 55 पे 45, 40 और 50 के बीच में आएगा, उसके बाद 65 के ऊपर 65 यहाँ पे, उसके बाद आएगा 75 पे 47, 50 से 3 लाइन कम, उसके बाद 85 पे 18, 20 से 2 लाइन कम, पे 5 लाइन, और उसके बाद आएगा 105 पे 0, नेमिंग करना है सब जगह पे जहाँ पे तुमने निकाला हुआ है। अब इसको स्केल से तुमको जॉइन करना है, यहाँ से ठीक है, स्केल 1, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है तुमने? 25, 35, 45, सब में 10 का गैप है, 25, 45 वगैरह वगैरह सब में 10 का गैप है वाई के ऊपर, तो आएगा 10, 10 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी तुम्हारा 25 से 35 गैप है ना, रिजल्ट है 10%। उसके बाद एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का हो गया, वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, तुमने 10 का टेबल लिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर मैंने पढ़ाया था
सब में गैप 25 और 35 में 10 का गैप है, 35 45 में 10 का गैप है, इसमें 10 का, इसका 10 का, इसका 10 का, इसका सब में 10 का गैप है, बट ये डिफरेंट है। 0 और 25 में 25 का गैप है, मतलब ये गैप को हमको बताने के लिए क्रिंग मार्क करना जरूरी है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्ट है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये तुम्हारा स्केल है, और ये तुम्हारा हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में शायद कोई मुझे डाउट पूछेगा, सर उसमें 0 दिया हुआ है और 0 से पीछे नंबर लेंगे ना, सब में 200 का गैप है, तो -200 to 0 आएगा, -200 और 0 होता है -200, कहाँ आएगा -100, यहाँ पे देखना -100 वगैरह आएगा, तो सर फिर -200 to इधर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम इधर भी क्रिंग मार्क करने की गरज नहीं है, जो लाएगा डायरेक्ट इससे ज्वाइन कर देना है। मैं तुमको दूसरे क्वेश्चन का कोई डाउट पूछेगा इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि -200 इधर आएगा, तुमको सिर्फ उधर लिखना है, इधर नहीं लेना है, यहाँ से 0 से ऐड करना है, तुम लोग 0 से करना है, ठीक है, याद रखना, उसके बाद भी डाउट आएगा तो हम लोग उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है।